हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करके अपना चैप्टर चल रहा था, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 वेरी वेरी सिंपल है। सेल्स दिया गया है यहाँ पर, इनकम टैक्स दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है, और क्या दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में कुछ फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, मतलब इनकम लेस, इनकम कैसे मिलेगा सेल्स लेस, तो मैं डायरेक्टली क्या करके दिया, सेल्स दिया गया, उसमें लेस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल होगा, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखे, और फाइनली जो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स हो जाएगा। मतलब ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मेट था, मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। आपको फॉर्मेट बनाना अब तक पता ही चल गया रहेगा। यहाँ पर कंपेरेटिवली इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्या है, यहाँ पर नेहा और नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18, पर्टिकुलर यहाँ पर 2017 अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ पर परसेंटेज और क्या रहेगा रहेगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो सेल्स कितना दिया है, 2 लाख, और कितना दिया गया है, 3 लाख दिया गया। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिखूँ, सेल्स में क्या करूँ, लिख दूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 लाख, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़ मुझे क्या आ जाएगा, सेल्स आ गया। क्लियर है, अभी सेल्स में से क्या लेस होगा, अभी देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालते हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया गया है, 1,20,000, और कितना दिया गया है मुझे, 80,000 दिया गया है। क्लियर है, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे क्या होगा, मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000 में से 20 किया, तो आंसर कितना आएगा, 80, और ये कितना आएगा, 2,20,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। अभी उसमें से क्या लेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस क्या लिखूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए, लेस हो जाएगा। कितना दिया है, 8,000, और कितना दिया गया है, 12,000 दिया गया है। क्लियर है, 8 और 12,000 क्या दिया गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो देखोगे अभी इन दोनों को माइनस कर दो, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या लिख दो, अभी 80 में से 8 गया तो आंसर कितना आएगा, 72। ये 1,20,000 में से 12 गया तो आंसर कितना, सॉरी 2,20,000 में से 12 गया तो 2 लाख कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, अभी उसमें से लेस क्या होगा, टैक्स लेस, इनकम टैक्स कितना बोल रहे हैं, 50%, और 50% किसका रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रहेगा। तो इनकम टैक्स कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखूँ 50% ऑफ किसका रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना रहेगा, 50, 72 का अगर 50% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। 2,08,000 का 50% निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,04,000 अपना आंसर आ जाएगा। मतलब जो अपना रहेगा नेट प्रॉफिट, सो पहले फर्स्ट ईयर रहेगा 2017 का, तो 17 का लिखना है, 18 का रहेगा तो 18 का लिखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। क्लियर है, 1,72,000 में से 36 किया तो आंसर कितना आएगा, 36, और ये 1,04,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,04,000 आएगा। बस इतना ही चीज़ यहाँ पर दिया गया था, सेम एज अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो भी वहाँ पर भी सेम, सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम टैक्स 50%, इतना सिंपल सम दिया गया है, तुम पूछो ही मत। क्लियर है, अगर ये सब नहीं आए तो आपको मैं तो बोलता हूँ वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्लियर है, इतना सिंपल है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस क्या हो जाएगा, ये टैक्स इनकम टैक्स 50% तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे आंसर आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, ये कितना था, 3 लाख माइनस क्या करेगा, 1 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख मुझे आंसर आएगा। और इसका परसेंटेज देखो, ये आधा होता है तो कितना परसेंट आएगा, प्लस 50% हो जाएगा, 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, अगर ये 40 का इसका करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस 33.33% मुझे आंसर आ जाएगा। ये 1,20,000 माइनस 80 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,40,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी 1,40,000
अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आपको आंसर, सॉरी सॉरी ये 80 कम है ना यहाँ पर, देखो 80 तो ये किस में आएगा, माइनस में, तो क्या लिखो ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी एक काम करो आप माइनस कर देना, सॉरी, तो यहाँ पर माइनस 33.33% आएगा, 1,40,000। अगर आप करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1, प्लस आएगा तो प्लस 175% आपको आंसर आएगा, 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का परसेंटेज निकालेंगे, देखो ये 4 टू सा कितना होता है 8, तो ये कितना आएगा प्लस 50% हमें आंसर आएगा, 2,08,000 माइनस कितना करना है ये 72, तो आंसर कितना आएगा 1,36,000 हमें आंसर आएगा, 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 72 करेंगे तो प्लस 1.88.89% आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर। अभी 1,04,000 माइनस 36 करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा 68,000 मुझे आंसर आ जाएगा, ये प्लस में, तो आंसर किस में आएगा प्लस में 1,88.89 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर। सेम एज ये वाला करेंगे तो 1,04,000 माइनस कितना करना है 36, तो भी आंसर कितना आ जाएगा अपने लिए 68%, और इसका करेंगे तो भी कितना आएगा प्लस 1,88.89 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो ना इसका 50% था, तो इसका ही आधा आधा कर रहे तो भी आंसर सेम ही आएगा, 1,88.89, मतलब अपना सम क्या हो गया, इतना सिंपल सम दिया गया था, तुम पूछो ही मत इसको, क्लियर है। सेम एज अगर लास्ट सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, तो पहले वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेल्स आ जाएगा, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, सेल्स लिखूँ, कितना दिया गया है 4,00,000 और कितना दिया गया है 6,00,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,00,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,00,000 आंसर आ जाएगा। सेल्स में से क्या लेस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया गया है मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है 24 और 56, तो यहाँ पर लिख दूँ 24,000 और कितना लिख दूँ मैं 56,000 लिख दूँ। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे आंसर आएगा अभी 1,04,000 माइनस कितना करना है 24, तो 3,76,000 आ जाएगा। अगर ये करेंगे तो 5,44,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी लेस क्या होगा इसके अंदर से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए, लेस हो जाएगा, कितना दिया है 16 और कितना दिया है 24 दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे आंसर आ जाएगा, क्लियर है, बिफोर टैक्स। अभी 3,76,000 माइनस कितना करना है 16,000, अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 3,60,000 आपको आंसर आ जाएगा। अभी ये 44 में से 24 गया तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 5,20,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी लेस क्या होगा टैक्स, तो यहाँ पर लेस आ जाएगा इनकम टैक्स, लेस क्या हो जाएगा इनकम टैक्स, कितना बोल रहे हैं 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 50% बोला गया है ना, तो 50%, तो यहाँ पर आ जाएगा 50% ऑफ किस करेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आ जाएगा, क्लियर है। ये 3,60,000 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1,80,000 और इसका करेंगे तो कितना आएगा 2,60,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका ही आधा करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अभी सेम रहेगा 1,80,000 प्लस ये कितना रहेगा 2,60,000 आपको दिया गया है, क्लियर है। इसका ही क्या करना है अभी ना करना है, तो ये कितना आएगा 6,00,000 माइनस 4,00,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 2,00,000। अभी 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 50% सिंपल ही है, क्लियर है। ये प्लस में आ जाएगा, ये करेंगे 56 माइनस 24 तो 32,000 आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो कितना आएगा प्लस 1.33% आपको आंसर आ जाएगा, 5,44,000 तो करेंगे तो 1,68,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। माइनस करना 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा प्लस में 44.68% आपको आंसर आ जाएगा। ये 24 माइनस 16 करेंगे तो आपको आंसर 8,000 आ जाएगा। अभी 8 टू सा कितना होता है 16, तो ये कितना होगा 50% हो जाएगा,
अभी ये करेंगे तो 2,520 माइनस 3,60,000 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा। 1,60,000 का करेंगे तो 4 प्लस कितना आ जाएगा, ये प्लस रहेगा प्लस 44.44% आपको आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना है, 1,80,000 में से माइनस करना है तो कितना अच्छा आंसर आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो भी सेम रहेगा 44.44%, इसका भी 80 और परसेंटेज तो सेम ही रहेगा 44.44% रहेगा। क्लियर है, इतना सिंपल तुम्हें दिया गया है, तुम पूछो ही मत। ये सम आप घर से एक से बार दो बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आएगा और ये सम एग्ज़ाम में 8 मार्क के लिए आएगा। क्लियर है, 8 मार्क आपको आसानी से मिल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है इस सम का। एंड में आपको इसके मैं पिक भी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना है। थैंक यू स्टूडेंट।